ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ उसके ऊपर में ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, तो उसके कारण दबना उठना ये सब हो रहा है। ये सरफेस पे हो रहा है। इसको डाइवर्जेंस मानते हैं, इसको कन्वर्जेंस मानते हैं। इसको कन्वर्जेंस मानेंगे तो इसको डाइवर्जेंस मानेंगे। आप देखो कि ऐसे दबा दिया तो यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी हैवी सरफेस पर जो उठना चाहती है, बारिश करना चाहती है, ह्यूमिडिटी कंडेंस होकर के बारिश करेगी, तो ये लिम्ब ऐसे दबाएगा तो उठ पाएगा नहीं। इसलिए जहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा जेट स्ट्रीम, वहाँ समझो कि बारिश रुक जाएगी। से बड़े एरिया में इस तरह से हो गया तो बारिश रुक जाएगी। और जहाँ कहीं भी ऐसे उठा दिया सुर हाथी की तरह, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम भी रहेगी तो भी बारिश कर दिया जाएगा। उठाएगा इतना ऊपर उठाएगा कि वो कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, सैचुरेट होना चाहिए ना। अगर मान लें वेपर है, वेपर को कम तापमान दोगे तो वही क्या है, चेंज हो जाएगा। हाँ, ओलावृष्टि का अलग रूप हो गया। ओलावृष्टि तो मान लो और ऊपर चला जाएगा, तब जाके जब ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर चला जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ एकदम से माइनस डिग्री टेम्परेचर है वहाँ फ्रीज कर जाएगा, और वहाँ से जब गिरेगा तब ओलावृष्टि होगी। इस तरह का है, वो अलग तरह का होता है, वो बादल का, वो तो कन्वेक्शनल करंट जहाँ पे होता है वैसे होता है वहाँ पे, जैसे इक्वेटर पर ऊपर उठेगा, देख रहे हो इक्वेटर पर कन्वर्जन, वो जो कन्वेक्शनल करंट है बहुत ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ पर चला जाता है उसमें। सर यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में जो है यहाँ भी है तो इक्वेटर पर हुआ ना वही चीज़। अभी मान लो कि हम लोग तो लगभग 30 मतलब 25-27 के आसपास, हाँ 27 क्या गया, वो जो अभी हुआ था तो वो क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टरबेंस अभी चल रहा है पश्चिम से, तो पश्चिम से वहाँ पे जेट स्ट्रीम लेकर के आ रहा है। अब ह्यूमिडिटी है उसमें और पोलर विंड वाला ठंडा है, तो हमने पहले बताया था कि भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी लेकर के जेट स्ट्रीम इधर की तरफ इंडिया की तरफ आ रही है, और पोलर विंड उसके उत्तर की तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। तो जब ऊपर उठ गया, जैसे ह्यूमिडिटी ऊपर उठेगा, बारिश करेगी तो रास्ते में उसको पोलर विंड मिलेगा, तो क्या होगा, फ्रीज होकर के गिरेगा कि नहीं। ये चीज़, हाँ चीज़ तो अब आप ये जानिए कि कंडेंसेशन होना है, अगर जीरो से नीचे पे कंडेंसेशन होगा तो ओलावृष्टि होगी। अलग तरीका है, हाँ कहीं भी कंडेंसेशन, जैसे हिमालय में बारिश क्यों होती है ओला के रूप में, क्योंकि जो उधर कंडेंसेशन होगा तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, वेपर जो है सीधा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ओलावृष्टि होती, ओला नहीं उसको कह सकते, स्नोफॉल, ओलावृष्टि अलग है, हेल स्टॉर्म कहेंगे, हाँ इसमें हेल स्टॉर्म होगा। तो ये जो था ये ओलावृष्टि थी, ये हेल स्टॉर्म नहीं था, ये ओलावृष्टि बर्फ के रूप में था, ठीक है। ये जो था ये बर्फ का रूप था, कई बार जो है पत्थर के रूप में आता है वो भी है, लेकिन उसमें कई पॉल्यूटेंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो पत्थर का रूप हो जाता है, जैसे गेहूँ पक जाता है उस समय देखोगे होता है, है ना। तो ज़्यादा ऊपर हो गया, मान लो कि सरफेस हीट हो गया, ज़्यादा ऊपर उठ गया कन्वेक्शनल करेंट, पार कर गया स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को पार कर गया, तो वहाँ जो कॉन्टैक्ट में एयर है वो तो एकदम ठंडा है, तब वो सीधा क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। अब रास्ते में पॉल्यूटेंट वोल्टेंट है सबको लेते हुए गिरेगा, भारी भी हो गया ना, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, भारी हो गया, तो वो गिरेगा तो उसके साथ उसमें वेट भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या कहे, हाँ वो तो हो ही जाता है, मर जाते हैं लोग, सही है, सही। अगर ज़्यादा अगर होने लगेगा तो मर जाएंगे लोग, और यही हिमालय में होने लगे तो आए दिन लोग मरेंगे, वहाँ बर्फ के रूप में गिरता है, वो हल्का हल्का रहता है ना, बूंदा बूंदी के रूप में।
यहाँ पर उस तरह का नहीं था, ये दोनों का मिक्सचर एक तरह से था जी, 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 हाँ। क्योंकि टेम्परेचर उतना लो नहीं है ना यहाँ, तो मिल गया दोनों, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि एकदम यहाँ स्पेसिफिक है कि ये उस टाइम में ये होगा ये चीज़ वहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वेदर फेनोमेन जो है वो कम्प्लीट पिक्चर है, वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो जहाँ जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से वहाँ होगा। अब यहाँ हमने देखा कि अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे उठा दिया, यहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ पर देखो कि क्लाउड ऐसे बन जाएगा, यहाँ क्लाउड बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाए हम लोग कि आप बोले कि हिमालय रीजन में मॉइस्ट एयर से सीधे वाटर नहीं, सीधे सॉलिड चला, हाँ, तो वाटर भी तो जा सकता है किसी कंडीशन में, तो बारिश होती नहीं है हिमालय में, बारिश भी तो होती है, लोअर रीचेज में तो बारिश ही होती है, हायर रीचेज में चूंकि वहाँ पर टेम्परेचर ऊपर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसलिए वहाँ पर जो कंडेंसेशन होगा सीधा सॉलिड में हो जाएगा। कोई विशेष रीजन है क्या कि ना, कोई विशेष नहीं है। अब ये देखो कि एक हो गया ये, एक ये, एक ये जेट स्ट्रीम, ये सब क्या करेगा सन का जब, अब देखो रियल में हमें क्या समझना है। सन हमने बताया कि यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ पर जाता है, ये दिसंबर में है, ये मार्च और सितंबर का पोजीशन है, और ये जो है जून का पोजीशन है, ठीक है। सन जब इधर जाएगा तो ये वाला जेट स्ट्रीम और ये वाला पोलर विंड सब थोड़ा 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 नीचे आएगा, तो ये वाला जो है ये तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये वाला इसके पीछे पोलर विंड जो है ये सब यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस जेट स्ट्रीम के साथ मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 1000 माइल में चौड़ाई में है, समझ रहे हो, तो दोनों मिक्स हो जाएगा ना, ये आगे बढ़ेगा तब भी पीछे ऊपर वाला जो जेट स्ट्रीम इसके साथ कुछ ना कुछ मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स हो गया है, अब पूरा एक लेयर बना दिया है, कहाँ पर, इंडिया के ऊपर समझो, इंडिया मैक्सिमम क्या है 37 पर तक है, और ये 23 तक है यहाँ, तो 23 है और यहाँ तक आएगा तो 37 तक तो इंडिया है, तो ये जो फैलेगा पोलर विंड का असर यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं, जेट स्ट्रीम भी यहाँ आ गया, तो विंटर सीजन में ये जो जेट स्ट्रीम है ये तो हो गया पोलर, ये सब पोलर, और ये आपका हो गया सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल नॉर्मली जो है बहुत वीक जेट स्ट्रीम होता है, लेकिन विंटर सीजन में इसके साथ मिक्स हो जाने के कारण स्ट्रांग हो जाता है ये, और ऐसे स्थिति बना रहा है ऐसे, और इंडिया में ये वाला स्थिति बनता है, इंडिया में ऐसे करके ऐसे नीचे ऐसे कोल्ड रहता है, ठीक है, इसलिए ये हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, इसलिए ये हाई प्रेशर बना करके कंडीशन रखता है, उसी में ये चलता रहता है, कई बार लूज हो जाएगा थोड़ा तो बारिश हो जाएगी, लूज हो जाएगा तो बारिश हो जाएगी, नहीं तो ओवरऑल क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे भी तो है, ये आप समझ रहे हैं इंडिया को पूरा ढक लेगा कि नहीं, मैदान को तो ढक ही लेगा चौड़ाई में ऐसे, तो मान लो ऐसे भी उठ रहा है तो चौड़ाई तो उसका है, बेस तो बना हुआ है, ठीक है, 300 नहीं 1000, ये चौड़ाई तो है 1000 माइल का मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया तो 1800 किलोमीटर कवर्ड हो गया, 1800 किलोमीटर कवर्ड हो गया, तो वहाँ पर क्या रहेगा, ठंडा बना रहेगा कि नहीं, प्रेशर हाई रहेगा, अब इधर से चाहे आप कब तक ये रहेगा हाई, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, दिसंबर से सन इधर शिफ्ट हो जाता है इधर, है ना, दिसंबर में, दिसंबर से लेकर के मई के लास्ट वीक तक याद रहे, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता है तब तक इसका प्रेजेंस कुछ न कुछ बना रहता है, और फिर जब यहाँ पर मार्च यहाँ पर है, ठीक है, देखो ये मार्च से ऐसे आने लगा तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, अब हिमालय के इधर था, अभी हिमालय के उस पार जैसे ही जाएगा, ये कहता है कि देर इज एब्रप्ट शिफ्टिंग लास्ट इन लास्ट वीक ऑफ मे, देर इज हाइड्रोडाइनमिक चेंज इन जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिमालय, whenever there is shifting of such jet stream towards the north of Himalaya, whatever the temperature obtained by the surface of Indian subcontinent, there is potential chance of low pressure region to be developed. ठीक है, अब जब वो शिफ्ट हो गया तो हाई प्रेशर जो बना हुआ था ये कम्बल की तरह ब्लैंकेट की तरह जो कवर किया होता है तो हट गया, अब यहाँ जो हीट हुआ सरफेस, अभी हीट हो भी रहा था, ऊपर उठ भी रहा था, ज़्यादा उठने नहीं देता था,
तो बारिश होगी भी तो थोड़ा सा उठ करके फिर बारिश कम, अब हट गया यहाँ, तब अब क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट जनरेट होगा ना, तेज गति से ऊपर उठेगा, ठीक है। और साथ साथ जो साउदर्न हेमिस्फीयर का ट्रेड विंड है वो भी तो आ रहा है, तो यहाँ लैंड सरफेस जो हीट हुआ वो तो ऊपर उठेगा, मान लो रिवर है, वाटर बॉडी है, सब इवेपरेट हो रहा है, और वेस्ट और जो ट्रेड विंड है वो भी तो आ रहा है, ट्रेड विंड भी आएगा, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या करेगा उसको, जेट स्ट्रीम तो गायब हो गया, गायब हो गया, अब कोई बाधा नहीं है, अब तो ऊपर उठ करके बारिश कर देगा, ठीक है। माउंटेन जहाँ है वहाँ ऐसे ट्रेड विंड आ रहा है, माउंटेन के साथ ऐसे ऊपर उठेगा, फिर बारिश होगा। कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक साइक्लोनिक भी होता है, साइक्लोनिक कैसे होता है बताएंगे, जैसे मान लो कि एक विंड इधर से है, एक विंड इधर से आ गया, जैसे अरबियन सी वाला इधर से जा रहा है, बे ऑफ बंगाल वाला इससे जा रहा है, तो दोनों मिल गया ना, तो दोनों में कुछ ना कुछ कंट्रास्टिंग करेक्ट, कुछ ना कुछ करेक्टर चेंज होगा, तो साइक्लोनिक कहेंगे उसको, ठीक है। दो तरह का विंड अगर मिल रहा है, हाँ कुछ ना कुछ अंतर उसमें होगा, स्वाभाविक है, ये कहना कि कंट्रास्टिंग एकदम से होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो कंट्रास्टिंग होगा, जो लैंड के सरफेस से आ रहा है, ठीक है, लैंड के सतह से आ रहा है, इधर से इधर ओशियन कंटेंट बड़ा है, इधर छोटा है, या जो भी है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो जहाँ मिक्स करेगा वो साइक्लोनिक हो जाएगा सीधा, ये समझ दोनों लैंड पर यूज कर, दो लैंड मास है, हाँ दो लैंड मास, हाँ लैंड मास पे भी जो एयर मास होगा उसमें भी चेंज हो सकता है, ऑल्दो कि हम लोग उस तरह के चेंजेस को ऐसे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि टेम्परेट में, टेम्परेट रीजन में साइक्लोनिक उस टाइप के एयर मास कंट्रास्टिंग मिलते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का तो इफेक्ट होगा ना जो ओशियन में हो रहा है, तो वो तो कोस्टल रीजन में प्रिसिपिटेट करेगा, तो उसकी बात करेंगे कि साइक्लोनिक वो प्योर है, अदरवाइज मालवा का प्लेटो, सॉरी मालवा का नहीं, हाँ मालवा पर भी, मालवा प्लेटो, नागपुर प्लेटो जिसको विदर्भ रीजन कहते हो, वहाँ पर, और फिर आप चले जाओ शिवालिक रेंज में पंजाब हरियाणा में, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी दोनों मिक्स करता है, जिसके कारण वहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल माना जाता है, मालवा प्लेटू, हाँ नागपुर विदर्भ वाला, और वहाँ शिवालिक रेंज में कहाँ पे, पंजाब हरियाणा के उत्तर वाले भाग में, तीनों जगह बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, दोनों वे ऑफ बंगाल अरबियन वाला मिलता है, इधर से जाते हुए, इधर से जाते हुए कहीं ना कहीं मिल जाता है, ये वाला मिड रीजन में भी मिलता है, कम होना चाहिए था, लेकिन चूंकि दो मिलती है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में देखो, एमपी का जो ईस्ट पार्ट है, ज़्यादा बन है ना, बन है ज़्यादा, क्यों ज़्यादा बारिश हुई तो बन हो गया, मालवा में भी थोड़ा ऑल्दो की प्रिसिपिटेशन वहाँ पर कम है, लेकिन दोनों मिलने के कारण 80 सेंटीमीटर वहाँ पर रेनफॉल हो जाता है, इसलिए वो है। और शिवालिक रेंज में तो वहाँ पर राजस्थान से ऊपर है, और तो राजस्थान से होकर के जो ब्रांच जाएगी मानसून की, वो तो बारिश राजस्थान में की नहीं तो वहाँ कहाँ से करेगी, तो वहाँ करने के लिए उधर से हिमालय की तरफ से एक आ रहा है बे ऑफ बंगाल वाला, और इधर से ये वाला जा रहा है, तब मीट करेगा, तब होगा, प्रोग्रेस में देखेंगे उसको। तो ये समझ में आ गया कि साइक्लोन क्या कर सकता है, कौन सा साइक्लोन, सॉरी जो जेट स्ट्रीम है वेस्टर्ली, वेस्टर्ली जो है वो क्या करता है, मानसून को हाई प्रेशर मेकिंग फेनोमिनन यहाँ पर बनाता है, कब, विंटर सीजन, अप टू द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ मंथ ऑफ मे, तो कहा था ना कि मानसून जो है मई में नहीं जून में आता है, तो मई तक ये हाई प्रेशर बना करके रखता है, इसलिए ये जून में आता है, जैसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय को क्रॉस करता है लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तब जा करके यहाँ मानसून आदर्श रूप में, आइडियल रूप में आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग मानते हैं मानसून मई में नहीं जून में आता है, क्लियर। तो वेस्टर्ली का क्या, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है वो हम लोग समझ गए, तो लिखो। अब इस क्वेश्चन में वेस्टर्ली कैसे बनता है जेट स्ट्रीम ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीएस में